मैं बाजार सामान खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लिखते वक्त तो आप इंग्लिश में लिख लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, पढ़कर भी समझ जाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो आप अटक जाते हैं, सोच नहीं पाते या फ्लुएंट नहीं हो पाते। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन सी लैंग्वेज में सोचते हैं। इंग्लिश लर्निंग के ऊपर हमने कई वीडियोज बनाए हैं, उन्हीं में से एक आज का यह वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे सोचें। हमने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि इंग्लिश में सोचना क्यों जरूरी है। इंग्लिश बोलते वक्त हम इसीलिए फंबल कर जाते हैं या घबरा जाते हैं क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस को पहले अपने मदर टंग में सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी मदर टंग है, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, आप उसी लैंग्वेज में सोचते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो उसे अपने मदर टंग से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आप फ्लुएंट नहीं हो पाते। तीन तरीके से हम सोच सकते हैं या किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, या तीन तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। पहला, हिंदी टू इंग्लिश। आपकी जो भी मदर टंग है, यानी बचपन से आपने जो भी सीखा है, जो भी भाषा आपको पहले से है, जैसे हिंदी, तो मन में हम उसी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। दूसरा, इंग्लिश टू हिंदी। इसमें हम इंग्लिश में सोचते हैं, फिर उसे अपने मदर टंग में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें हमने इंग्लिश में ही सोचा, फिर उसे अपने मदर टंग में कन्वर्ट किया। और तीसरा तरीका है इंग्लिश टू इंग्लिश। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, बचपन से उन्होंने इंग्लिश सुना है, बोला है, तो वो इंग्लिश से ही इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन हमारा मदर टंग तो कुछ और है, और अगर हम हिंदी या अपने मदर टंग से इंग्लिश सीखते हैं तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश से अपनी मदर टंग, इसलिए इंग्लिश में सोचिए, फिर उसे बाद में आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम इंग्लिश में कैसे सोचें, हमारी मदर टंग या मातृभाषा तो कुछ और है। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। टिप नंबर वन, मेक सेंटेंसेस इन योर माइंड। आप जहाँ भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके सामने जो भी हो रहा है, आप जो भी देख रहे हैं, उन्हें इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश कीजिए और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मन में सोच सकते हैं आई एम वॉचिंग टीवी, पानी पीने वाले हैं, तो उसे इंग्लिश में ही सोचिए, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। इस प्रकार आप जो भी कर रहे हैं उन्हें मन में इंग्लिश में ही सोचिए, सेंटेंसेस बनाइए। इससे आपका माइंड सेंटेंस बनाना सीखेगा, इंग्लिश में सोचना सीखेगा और वो शार्प होगा, जिससे आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी। टिप नंबर टू, फाइंड योर मिस्टेक्स। आप जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो उन्हें ढूंढिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। आपने जो भी सेंटेंस बनाया है उसमें क्या गलती हुई, उसके बारे में वीडियोस देखिए, नॉलेज लीजिए, सीखिए और उन्हें फिक्स कीजिए। इस प्रकार आप अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी। टिप नंबर थ्री, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन फॉर सिचुएशंस। अब आप अपने आने वाले सिचुएशंस या कन्वर्सेशंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप कहीं मीटिंग में जाने वाले हैं, पार्टी में जाने वाले हैं, खेलने जाने वाले हैं या स्कूल जाने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड सेंटेंस भी मन में बनाइए। जैसे आप पार्टी में जाने वाले हैं तो वहां आपकी क्या कन्वर्सेशन हो सकती है, क्या क्या बातें हो सकती है, उनसे रिलेटेड सेंटेंस माइंड में बनाइए, फिर उन्हें उस सिचुएशंस में यूज कीजिए। टिप नंबर फोर, रिवाइज नॉलेज। दिन भर में आपने जो भी सेंटेंस बनाया, जो भी सीखा, जो भी गलतियां की, उन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब वो शब्द या वो सेंटेंस बार बार यूज होंगे तो माइंड को लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये सब नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, जिससे आने वाले समय में जब इनकी जरूरत होगी तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये शब्द मुंह से निकलेंगे। टिप नंबर फाइव, लर्न बेसिक ग्रामर। यह सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि अगर आपका बेसिक ग्रामर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो पहले के जितने भी पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में तभी थिंक कर पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत ग्रामर पता होगा। सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वर्ब, टेंस, क्लॉज, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो सबसे पहले अपने ग्रामर को स्ट्रांग कीजिए। जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं या ग्रामर की मदद से सेंटेंस बना लेते हैं, फिर इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें इंग्लिश में सोचने में मदद करते हैं। मेक सेंटेंसेस इन योर माइंड, फाइंड योर मिस्टेक्स, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन फॉर सिचुएशंस, रिवाइज योर नॉलेज, लर्न बेसिक ग्रामर। इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं, जैसे अगर आप खाली हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इंग्लिश लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश के बुक्स रीड कीजिए। लिखने से आपकी राइटिंग कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, जबकि रीड करने से आप इंग्लिश को समझना, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनिए, इसके लिए आप मूवीज, वीडियोस, स्पीच, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, म्यूजिक इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का यूज करेंगे तो आपके माइंड को उतना ही ज्यादा वर्ड सेंटेंसेस याद होंगे, आपका माइंड उतना ही जल्दी इंग्लिश को समझ पाएगा, इंग्लिश में सोच पाएगा। वी होप दैट यू विल सून लर्न टू थिंक एंड स्पीक इन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।